अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कुछ न्यू ड्रेसेस मैंने स्टिच की हैं, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर भी किया करें। ये देखिए फर्स्ट ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये करंडी फैब्रिक में और एम्ब्रॉयडरी है ये सारा। इसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको बनाया है कि ये थोड़ा सा जो है मैंने इस तरह से इसको स्टिच किया है कि ये जो इसका बॉर्डर है ना, ये पट्टी इसके दुपट्टे में से थी और जो इसकी शॉल है, अभी मैं आपको वो शॉल भी शेयर करूंगी। तो उसके एक साइड से मैंने ये एक बॉर्डर कट किया था जो मैंने गले और दामन बाजू पे लगाया है, क्योंकि ये ऊपर से इसी तरह से ये सब इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका नेकलाइन बनाया है कि ये बॉर्डर मैंने इसमें यहाँ पे एडजस्ट किया है और यहाँ पे मैंने ये लूप्स के साथ इसमें बटन्स अटैच किए हैं। तो इसमें यहाँ मैंने एक्स्ट्रा पाइपिंग या लैस नहीं लगाई, सिर्फ मैंने ये इसमें से पिंक कलर जो इसकी शॉल की एम्ब्रॉयडरी में है तो उससे कॉम्बिनेशन करके ये मैंने इसमें ये कपड़े के बटन बना के यहाँ पे इस तरह से लगाए हैं। तो ये जरा डिसेंट सा सिंपल नेक है लेकिन ये बड़ा डिसेंट लुक देता है। एंड बाकी नीचे से इसकी ओवरऑल ये जो है ना सेम एम्ब्रॉयडरी थी पूरे इसके फैब्रिक पे, सेम इसी तरह से ही एम्ब्रॉयडरी थी ओवरऑल, ये इसी तरह एम्ब्रॉयडरी वाला था। इसके चॉक्स पे मैंने ये छोटी छोटी शटर लैस यूज की है, ये देखिए इस तरह से, ये बहुत छोटी छोटी शटर लैस है जो मैंने सिर्फ इसके चॉक्स पे यूज की है। और दामन के आगे जो है मैंने ये थोड़ी सी बड़ी लैस यूज की है और ये मैंने गुम सिलाई में लगाई है पलटे के साथ, ये देखिए। और ऊपर की तरफ इसके मैंने ये बॉर्डर अटैच की है, ये वाला बॉर्डर मैंने इसकी शॉल में से निकाला था। अभी मैं आपको इसकी शॉल जब दिखाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि वो भी मैंने अरेंज कर ली थी, क्योंकि उसके ये बॉर्डर कटिंग करने से ना उसकी शॉल की स्टाइलिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा था। तो ये चीजें आपने खुद मैनेज करनी होती हैं थोड़ी सी डिजाइनिंग के लिए। ये इसकी फ्रंट साइड है, इसकी बैक साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड पे भी ये देखिए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है, इसकी प्लेन है बैक साइड भी। चॉक्स फ्रंट बैक पे मैंने छोटी लैस लगाई है और दामन पे मैंने इसकी ये एक इंच की थोड़ी बड़ी लैस यूज की है। ये मैंने फ्रंट बैक भी यूज की है इस तरह से। लॉन्ग लेंथ में ये शर्ट है, 45 इंच तक इसकी लेंथ है। अभी इसके बाजू देखिए, ये इस तरह से इसके फिटेड बाजू है, फुल स्लीव्स है लेकिन बटन वाले हैं इस तरह टिच बटन के साथ है। और ये जो है आगे भी मैंने इसके साथ गुम सिलाई में ये लैस लगाई है अंदर रख के, और ऊपर ये जो बॉर्डर मैंने यूज किया था ये बॉर्डर मैंने ऊपर भी इसके लगाया है। 23 इंच जो है ये एवरेज इस स्लीव्स की लेंथ होती है। ये दोबारा से देख लीजिए इसका नेकलाइन, ये बहुत डिसेंट लगता है और पहनावा भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। अभी मैं इसके साथ मैंने शलवार स्टिच की है, सादा शलवार सिलाई की है मैंने इसके साथ। तो ये इस तरह से सादा शलवार बिल्कुल जो कलियों वाली होती है, करंडी फैब्रिक की है। इसका भी इसका मैंने 7 इंच पांचा बनाया है सिलाइयों के साथ, ये इस तरह से। अभी मैं आपको इसकी शॉल दिखाऊंगी, काफी हैवी भारी शलवार है, फुली एम्ब्रॉयडेड है, ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत इसके साथ इस जो है शॉल की लुक है, ये देखिए इस तरह से। ओवरऑल जो है ना ड्रेस की लुक बड़ी स्मार्ट लगेगी जब आपने ये शॉल भी इसके साथ ली होगी तो, क्योंकि शर्ट पे तो लाइट बहुत लाइट है, ये इस पे फ्लावर्स काफी ज्यादा बने हुए लेकिन बहुत लाइट एम्ब्रॉयडरी है, यानी को भारी मोटी भारी भारी एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई। शर्ट इसकी शॉल देखिए, शॉल का भी बड़ा जबरदस्त अच्छा है इसका लुक है, ये देखिए इस तरह से। अभी इसकी शॉल के ना यहाँ पर जैसे ये एक बॉर्डर है तो इसके साथ यहाँ पे एक बॉर्डर और अटैच था, वो बॉर्डर मैंने उतार के यहाँ पे लगाया है। तो इसके बाद मैंने ये पलटे के साथ ना फैशन पट्टी के साथ गुम सिलाई में ये इसके साथ सारी साइड्स पे लैस लगा दी है, यहाँ पर भी मैंने ये गुम सिलाई में लगाई है और इस तरह से। ये देखिए इस तरह ओवरऑल इसकी शॉल का बड़ा अच्छा स्मार्ट सा लुक है, ये इस तरह से काफी भारी इसकी और बड़ी शॉल है ये, इसकी डायमीटर के साथ है, ये देखिए इस तरह से इसकी ड्रेस की लुक है। ब्लैक कलर में और इसके कलर्स भी प्यारे हैं, ये बहुत स्मार्ट लग रहा है। नेक्स्ट ड्रेस जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो भी बहुत अच्छा स्टिच हुआ हुआ है, करंडी फैब्रिक में है वो भी। ये सिंपल ड्रेस मैंने स्टिच किया है, सिंपल मींस इसके ऊपर कोई लैस पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई, इसको मैंने इस तरह से फ्रंट ओपन स्टिच किया है, ये बड़ा आजकल ट्रेंडिंग में है, ये देखिए इस तरह से। इसमें मैंने यहाँ पे ये देखिए राउंड नेक है और यहाँ से ये साइड ओपन है, लेकिन इसकी मैंने पीछे करके जरा स्टिचिंग की है, ये बहुत एक ही सिलाई सिर्फ इसमें शो हुई है और यहाँ से ये ओपन है,
इसके मैंने, आप चाहें तो यहाँ से काज बना के भी बटन लगा सकते हैं, तो मैंने इसके बटन ऊपर ही अटैच किए हैं, लेकिन यहाँ से ये शोमेंट ऐसे होती है जैसे आपने काज लगा के तो उस तरह से इसको बंद किया हुआ है, लेकिन ये अंदर से बंद है, ये यहाँ से ओपन नहीं है। ये आप इसके अंदर से गुम सिलाई में सिलाई लगाते हैं तो ये इस तरह से स्टिच हो जाता है। राउंड नेक बनाया है और इस पे मैंने ये 1 इंच के साइज के बड़े साइज के सेम बटन कपड़े के ही बनवा के लगाए हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर बड़ी डिसेंट लुक दे रहे हैं। साइड में मैंने इसके गुम सिलाई में, ये देखिए पॉकेट लगाई है, साइड पॉकेट ये गुम सिलाई में लगी हुई है, इसकी कहीं पर भी कोई सिलाई शो नहीं होती, तो ये आपका बड़ा डिसेंट लुक देता है कि आपकी पता नहीं चल रही होती कि आपके कपड़ों में पॉकेट लगी हुई है या नहीं लगी हुई। ये दोनों साइड पे ये देखिए इस तरह से इसके अंदर है, ये इस तरह से आपकी पूरी बड़ी पॉकेट लग जाती है। ये गुम सिलाई में मैंने इसकी दोनों साइड पे पॉकेट लगाई है, इसकी कोई भी सिलाई बाहर जो है ना विजिबल नहीं है, तो ये बड़ा स्मार्ट लुक देती है इस तरह की ड्रेसिंग। और नीचे से इसका मैंने स्लिट ओपन छोड़ा है, ऑलमोस्ट 12 इंचेस इसका स्लिट जो है ओपन है ये, और नॉर्मल गेयर पे बनी हुई है ये, बहुत ज्यादा गेयर पे नहीं। आप इसको चाहें तो आप इसको एल लाइन शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन ये इस तरह इसकी डिसेंट लुक आ रही है। बैक साइड से देखिए इसको, बैक साइड ऑलरेडी प्लेन है, फैब्रिक भी इसका प्लेन था, करंडी फैब्रिक में है ये। स्लीव्स मैंने इसके इस तरह से बनाए हैं, चुनट्स वाले स्लीव्स बनाए हैं, बाजू मैंने इसके चुनट वाले बनाए हैं, ये देखिए इस तरह से चुनट वाले इसके बाजू हैं, और आगे इसमें इलास्टिक डाला हुआ है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसमें इलास्टिक डाल के, तो ये अंदर ही करके इसके मैंने स्टिच किया हुआ है इलास्टिक सिंपल। ये जो आपका छोटा इलास्टिक होता है ना जो शलवारों में डालने के लिए यूज किया जाता है, इसमें मैंने वो इलास्टिक यूज किया है। मोरी आगे से इसकी मैंने 5 इंच बनाई है, तो ये इस तरह से। इसके साथ मैंने प्लेन ट्राउजर स्टिच किए, ये देखिए इस तरह से प्लेन ट्राउजर मैंने इसके साथ स्टिच किए, 7 इंच पंचे के साथ बनाया है, ऊपर से इलास्टिक के साथ है। 7 इंच पंचा इसलिए कि फ्रंट ओपन के साथ जरा सा लूज पंचा अच्छा लगता है, आप चाहें तो इससे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसका जो 7 इंच ही पंचा लिया है। तो ये थे मेरे आज के ड्रेसेस, सिंपल है लेकिन एलिगेंट है, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।